साथियों, कनेक्टिविटी के दूसरे माध्यमों पर भी झारखंड में तेजी से काम हो रहा है। जिन क्षेत्रों में शाम के बाद बाहर निकलना मुश्किल था, वहां अब सड़कें भी बन रही हैं और सड़कों पर चहल पहल भी नजर आ रही है। सिर्फ हाईवे के लिए ही 9000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट झारखंड के लिए स्वीकृत किए गए, जिसमें से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। आने वाले समय में भारतमाला योजना के तहत नेशनल हाईवे का और विस्तार किया जाएगा। रोडवे, हाईवे और वॉटरवे के अलावा रेलवे और एयरवे की कनेक्टिविटी भी मजबूत करने पर काम चल रहा है। बीते 5 वर्षों में विकास के ये जितने भी काम हुए हैं, इनके पीछे हमारे मित्र रघुवर दास जी और उनकी टीम की मेहनत और परिश्रम और आप सबके आशीर्वाद, यही तो इसका कारण है। पहले जिस तरह के घोटाले होते थे, शासन में जिस तरह पारदर्शिता का अभाव था, उसी स्थिति में बदलाव लाने का पूरा प्रयास झारखंड की रघुवर दास सरकार ने किया। और भाई और बहनों, जब इतना कुछ हो रहा है तो एक दायित्व मैं आप पर भी, झारखंड के लोगों पर भी डाल रहा हूं। कल से ही देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर तक हमें अपने घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में सफाई तो करनी ही है, गांव में, मोहल्ले में सफाई तो करनी ही है, लेकिन साथ साथ एक विशेष काम, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें इकट्ठा करना है, एक जगह पे जमा करना है। वो प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार काम आता है, फिर वो बेकार हो जाता है और वही समस्या बन जाता है। ऐसे सारे प्लास्टिक को एक जगह पे जमा करके हमने उस प्लास्टिक से मुक्ति पाई। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के दिन हमें उस प्लास्टिक के ढेर को हटा देना। सरकार तमाम विभागों को जुटा रही है ताकि इतना प्लास्टिक इकट्ठा किया जा सके और उसे बाद में रिसाइकल किया जा सके। मेरी प्रकृति प्रेमी झारखंड के लोगों से, पर्यावरण प्रेमी झारखंड के लोगों से अपील है कि इस अभियान में जुटे और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने में आप अगुवाई करें, आप नेतृत्व करें और मेरे साथ चल पड़े।